हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान की विगत बढ़ती परीक्षाओं में राजस्थान जीके से पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करवाया जा रहा है, जो आपकी आगामी बढ़ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, इन प्रश्नों की PDF एम के स्टडी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहां से एम के स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आप एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे इन क्लासों का फ़ायदा उन्हें मिल सके। आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। यह पेपर LDC एग्ज़ाम 2018 का है, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 19 सितंबर 2018 को कंडक्ट करवाया गया। इस पेपर का कोड 42A है। आइए इसमें जानते हैं राजस्थान जीके के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। दोस्तों, यह क्लास आपके लिए रोज़ शाम 6 बजे एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर शुरू की गई है। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? चावल, गेहूँ, जौ या मसूर? ऑप्शन ए चावल, निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? खाद्य तेल, खांडसारी, पापड़ भुजिया या सीमेंट? ऑप्शन डी सीमेंट। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? 243A, 356B, 357 या 243G? ऑप्शन डी 243G। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया? 1971, 1966, 1969 या 1985? ऑप्शन सी 1969। निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? रीको, RFC, राजसिको या RBI? ऑप्शन सी राजसिको। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग की उपज है? मोहनलाल सुखाड़िया, जवाहरलाल नेहरू, जय नारायण व्यास या कंवर सेन? ऑप्शन डी कंवर सेन। राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? 5, 6, 7 या 12?
ऑप्शन डी 12, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान और खनिज लिमिटेड में कब किया गया? 20 जनवरी 1990, 26 दिसंबर 1995, 1 मार्च 2000 या 19 फरवरी 2003? ऑप्शन डी 19 फरवरी 2003। राजस्थान में चल रहे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सक्षम योजना क्या है? यह युवा लोगों को स्वरोजगार सुनिश्चित करती है, यह बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देती है, यह युवा लोगों को कौशल विकास का प्रशिक्षण देती है, यह गृहिणियों को बीमा पॉलिसी देती है? ऑप्शन बी यह बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देती है। राजस्थान रिफाइनरी में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की हिस्सेदारी कितनी है? 74:26, 26:74, 75:25 या 25:75? ऑप्शन बी 26:74। निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट, कोटा तापीय पावर प्लांट, छबड़ा तापीय पावर प्लांट या धौलपुर गैस तापीय पावर प्लांट? ऑप्शन ए सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट। राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत फील्ड्स पार भंडार है? 100%, 50%, 33% या 66%? इस प्रश्न को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा डिलीट किया गया। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है? चंबल परियोजना, ब्यास परियोजना, माही परियोजना या सतपुड़ा परियोजना? ऑप्शन सी माही परियोजना। मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में निरंतर मुगल दरबार में कार्य करने वाले जयपुर के शासक का नाम क्या है? राजा मानसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, महाराजा सवाई जयसिंह या राजा भगवान दास? ऑप्शन बी मिर्जा राजा जयसिंह। कोटा राज्य का
संस्थापक शासक था माधो सिंह, मुकुंद सिंह, किशोर सिंह या राम सिंह? ऑप्शन ए माधो सिंह, किस हिंदू महीने विक्रम संवत में तेजा दशमी मनाई जाती है? आशोज, श्रावण, भाद्रपद या कार्तिक? ऑप्शन सी भाद्रपद। चंपा कली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गर्दन, सिर, माथा या कान? ऑप्शन ए गर्दन। दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया? एन वी गोडगिल, महाराव भीम सिंह कोटा, महाराव बहादुर सिंह बूंदी या गोकुल लाल असावा? ऑप्शन बी महाराव भीम सिंह कोटा। जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखते थे? सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई पृथ्वी सिंह या ईश्वरी सिंह? ऑप्शन बी सवाई प्रताप सिंह। जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? विजय सिंह पथिक, टीकाराम पालीवाल, अर्जुन लाल सेठी या हीरा लाल शास्त्री? ऑप्शन सी अर्जुन लाल सेठी। निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता था? जयदयाल, नंदकिशोर, कन्हैया लाल या कुशल सिंह? ऑप्शन ए जयदयाल। कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? कुरंजा, मूमल, सपना या गोरवंद? ऑप्शन बी मूमल। त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर स्थित है बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर या चित्तौड़गढ़? ऑप्शन ए बांसवाड़ा। निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्य को उनके सही अवस्थिति से मिलान कीजिए। रामगढ़ अभयारण्य बूंदी, जवाहर सागर अभयारण्य कोटा,
वन विहार अभयारण्य धौलपुर, ताल छापर अभयारण्य चूरू, सरिस्का अभयारण्य अलवर। ऑप्शन सी। कौन से वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी निर्माण के लिए किया जाता है? पलाश, ढोकड़ा, तेंदू या सागवान? ऑप्शन सी तेंदू। गजनेर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू या सीकर? ऑप्शन बी बीकानेर। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थारपारकर नस्ल पाई जाती है? पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र? ऑप्शन ए पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। लाल दोमट मिट्टी पाया जाने वाला जिला है? सिरोही, कोटा, डूंगरपुर या बीकानेर? ऑप्शन सी डूंगरपुर। नाथरा की पाल खान किस जिले में स्थित है? अजमेर, उदयपुर, सिरोही या बाड़मेर? ऑप्शन बी उदयपुर। लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृति विभाग का एक भाग है? पूर्वी मैदान, पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पहाड़ी प्रदेश या दक्षिण पूर्वी पठार? ऑप्शन बी पश्चिमी मरुस्थल। निम्नांकित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल और तीव्र पवनाभिमुखी ढाल वाला होता है? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान या नेवका? ऑप्शन सी बरखान। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में सहरिया जनजाति का घनत्व अधिकतम है? दरियाबाद, किशनगंज, छबरा या मांगरौल? ऑप्शन बी किशनगंज। निम्नांकित वन श्रेणियों में से राजस्थान में किसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र आवृत है? निजी वन,
अवर्गीकृत वन, आरक्षित वन या संरक्षित वन? ऑप्शन डी संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रसिद्ध बाटाडू कुआं राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, जयपुर, भरतपुर या दौसा? ऑप्शन ए बाड़मेर। गड़दड़ा ब्रद पेयजल परियोजना राजस्थान के निम्न में से किस जिले से संबंधित है? बूंदी, बारा, कोटा या झालावाड़? ऑप्शन ए बूंदी।